हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका पास IDBI बैंक प्रमोशन एग्जाम के ऊपर है, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जब हम B2C प्रमोशन एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, यानी बोल सकते हैं मैनेजर टू AGM की पद पे या कि पोस्ट पे आप जा रहे हो। ठीक है, सबसे पहला चीज़ है कि आप ध्यान में रखो कि आप जब बैठ रहे हो तो बिल्कुल एक पिरामिड की तरह आपके लिए फाइट है। नीचे सबसे कौन है भाई? एग्जीक्यूटिव है, उसके ऊपर ए है, उसके ऊपर बी है और उसके ऊपर सी है। तो जब बी से सी जा रहे हैं तो आप देखो कितना साफ कटिंग हो रहा है यहाँ पे। ये सारे लोग हटने वाले इलिमिनेट होंगे, सारे लोग, है ना। ये सारे लोग क्या होंगे? हट जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। अच्छा, तो यानी आपको नेचुरल से बात है कि बहुत ही टफ फाइट मिलने वाली है। पिछले 5 साल में प्रमोशन एग्जाम आए, लास्ट ईयर आया था प्रमोशन एग्जाम, उससे पिछले तो नहीं आया, उससे पिछले 5 साल तक नहीं आया। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें बैठेंगे, तो इसकी वजह से टफ फाइट तो होने वाला है। ये बोलेंगे एकदम इजिली केक नहीं है, मेहनत करेंगे तो ही निकलेंगे आप। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि एक दिन पहले पढ़ लेंगे और नीचे ले जाएंगे, ऐसे ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे कितनी वैकेंसी है ये भी डिस्क्लोज नहीं किया है बैंक ने, ठीक है, आपको मालूम ही नहीं है। तो प्लीज़ इसको भी ध्यान रखो आप। बात प्रमोशन बहुत बड़ा जरूरी है स्ट्रेटजी में। सिलेबस क्या है? बहुत लोग को सिलेबस भी नहीं मालूम होगा, मैं बताऊँ, बहुत लोग सिलेबस नहीं मालूम होगा। दूसरी बात, सिलेबस में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, एक ही वो चक्कर है। आप जब भी तैयारी करेंगे तो हम लोग आपको जो भी पढ़वाएंगे तो आपको याद रखना है कि जो भी हम लोग करवाएंगे वो प्योरली फॉर IDBI बैंक का ही हम लोग करवाएंगे, प्योरली फॉर IDBI बैंक के, चाहे IDBI एग्जाम का ही हम आपको करवा रहे हैं। हम लोग जो भी आपको तैयारी करवाते हैं सिलेबस के हिसाब से रहेगा, प्योरली फॉर IDBI बैंक का, ये जरूरी है जानना आपको। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें अपडेट की रहती है, आपको सिर्फ एग्जाम देना है, नंबर लाना है ठोक बजा के और प्रमोशन लेके चले जाना है। ये सारे के सारे अपडेटेड है। अब आपके मन में एक सवाल है, क्या आप सर्कुलर्स कवर करते हो? ठीक है, क्या कवर्ड करते हैं आप? बिल्कुल कवर्ड करते हैं। क्या आप RBI का भी सर्कुलर्स कवर करते हो आप? बिल्कुल, वो भी कवर्ड है जो आपके रिलेटेड है। ठीक है, RBI में बहुत सारी चीज़ें, सब तो पढ़ना है नहीं, जो काम काम का चीज़ आपके लिए वो सारा कवर किया हुआ है। क्या आप करंट अफेयर्स भी कवर करते हो आप? तो यस, कवर करते हैं हम लोग। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको कभी भी जनरल प्रमोशन की तरह मत तैयारी करिएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। ठीक है, ये कोई जनरल प्रमोशन नहीं है, इस तरीके से तैयारी मत कीजिए। हमेशा डेडिकेटेड करना, आपको जो भी काम करना है डेडिकेटेड करना है, तभी आपको फल मिलेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर हो गई बात? समझ गए अच्छे से? ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रख के आप तैयारी, जब भी तैयारी करना। हम लोग आते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला है कि आप वीडियो कोर्स को कंप्लीट करें, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, स्टेप नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। एग्जांपल ले लीजिए, समझिए, लेट अस सपोज मैंने आपसे बात किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफिसर में जा रहे हो, हायर ग्रेड पे जा रहे हो, ये करना बहुत जरूरी है, यानी मैंडेटरी है इसको करना। ये दो चीज कर लो आप, ये दो चीज कर लिया, कोई नहीं रोक सकता आपके प्रमोशन में, कोई नहीं रोक सकते। इतना हम लोग पढ़ा रहे, इतना सच हो, पढ़ के जा रहे हो ना, कोई नहीं रुकेगा। एग्जाम्पल है तो क्वेश्चन से डिस्कशन में, मान लीजिए लॉकर है, मैंने कोई एक सेक्शन पूछ लिया लॉकर से, आपको मालूम ही नहीं है, आप जानते ही नहीं हो, इवन आपके सर्कुलर में भी नहीं है, इवन सर्कुलर में भी नहीं है, सही बता रहा हूँ, आपको सर्कुलर में नहीं मिलेगा सेक्शन वेक्शन, बट एग्जाम में पूछेगा, क्या करोगे आप? फंस गए। पर RBI के सर्कुलर में है वो, RBI के मास्टर सर्कुलर में वो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। इसका एक्स्ट्रा हमने डाल दिया, एक्स्ट्रा मतलब ये भी कर लेंगे तो और अच्छा है। स्टेप 3 हो गया, क्वेश्चन बैंक कर लीजिए। स्टेप 4 हो गया, आप थोड़ा मॉक टेस्ट दे लीजिए, इतना कर लो भाई, इससे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये दो चीज एक्स्ट्रा है, इसको चाहो तब कर सकते हो, बट ये दो चीज कर लिया प्रमोशन ऐसे ही हो जाएगा।
फिर हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर, क्या क्या हम लोग देते हैं आपको। सबसे पहला चीज हो गया वीडियो लेक्चर कोर्स आपको मिल जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, नोट्स भी अवेलेबल है आप ले सकते हैं, पीडीएफ में रहता है वो, हर वीडियो के नीचे दिख जाएगा। 3000 से 1000 क्वेश्चन बैंक है पीडीएफ में, पांचवा 10 मॉक टेस्ट होंगी आपके पास, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये सारी जो वीडियो कोर्सेज हैं, ये जो भी चीजें हैं, ये क्या है, हम लोग रिकॉर्डेड वीडियोस रखते हैं ताकि आपको इसका बेनिफिट ये मिले कि आप एनीवेयर और एनी टाइम पढ़ सकें। क्योंकि क्या होता है, जब आप मालूम है कि आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आपको कोई गारंटी नहीं आप किस टाइम को पाओगे, सुबह शाम रात, मतलब कुछ 6 बजे कुछ 7 बजे, किसी को रात में पढ़ने का इच्छा, किसी सुबह पढ़ने की इच्छा, हम नहीं रोकेंगे, आपको जब मर्जी तब पढ़ लो, क्या दिक्कत है, सुबह शाम रात दोपहर आपका मर्जी है, चॉइस आपकी अपनी है, जब समय मिले पढ़ लिया करो आप, ठीक है। इससे रिकॉर्डेड रहेगा, हम लोग आपको वेबसाइट का एक्सेस देंगे, यूजर नेम पासवर्ड देंगे वेबसाइट का, और फिर आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। प्राइस जो है इसका, एक का दाम है 2000 रुपये, जिसमें 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, ठीक है, और एक दूसरा है जिसका दाम है 3000 रुपये, जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होती है, ठीक है। मर्जी आपकी, जो चाहो वो कोर्स कर सकते। फिर भी ऐसा कुछ होता है जो लगता है वीडियो में कवर नहीं है आपको, उसके संदर्भ में फोन करना है तो फोन करके पूछ सकते हैं। फोन नंबर है 4x9685127। आप वेबसाइट में भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट है www.jaiibcaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sisinha123@gmail.com। ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।